इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां काबुल में चीनी होटल पर हुआ हमला, होटल के अंदर कई चीनी नागरिक मौजूद। काबुल शहर के शहरानों में चीनी होटल पर हमला, अंदर घुसे कुछ हमलावर लगातार कर रहे फायरिंग। तालिबान हुकूमत और चीनी एम्बेसी ने जारी नहीं किया बयान। चीन के कई डिप्लोमेट्स अक्सर यहां आते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काबुल में चीनी होटल पर हुआ हमला, होटल के अंदर कई चीनी नागरिक मौजूद। चीनी होटल पर हमला हुआ है, होटल के अंदर कई चीनी नागरिक मौजूद है। काबुल शहर के शहरानों में चीनी होटल पर हमला, अंदर घुसे कुछ हमलावर लगातार कर रहे फायरिंग। तालिबानी हुकूमत और चीनी एम्बेसी ने जारी किया बयान। चीन के कई डिप्लोमेट्स अक्सर यहां आते हैं, तो लगातार फायरिंग की जा रही है होटल के अंदर और कई चीनी नागरिकों की होने की खबर वहां से आ रही है। अफगानिस्तान से है बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान से बता रहे हैं, जहां अफगानिस्तान के एक होटल में फायरिंग की जा रही है। लगातार जो है फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। काबुल में चीनी होटल पर हमला, होटल के अंदर कई चीनी नागरिक मौजूद। काबुल शहर के शोहरानों में चीनी होटल पर हमला। बता दें कि तालिबान हुकूमत और चीनी एम्बेसी ने जारी नहीं किया है बयान। इस बड़े हमले को लेकर जो है तालिबान हुकूमत की चुप्पी देखी जा सकती है। चीन के कई डिप्लोमेट्स अक्सर इस होटल में आते हैं और इसी होटल को टारगेट बनाकर जो है फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खतरनाक फायरिंग, होटल से धुएंदार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अभी भी फायरिंग चल रही है। फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। चीन के कई डिप्लोमेट्स अक्सर यहां आते हैं और अंदर भी अभी चीनी नागरिकों के होने की संभावना है। बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान से बता रहे हैं, जहां काबुल के चीनी होटल में आतंकवादियों का हमला। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना भीषण, कितना खतरनाक ये मंजर दिखाई दे रहा है। होटल के चारों ओर फायरिंग के कारण जो है पूरी होटल धुएंदार हो रही है और हादसा तस्वीरों को, माफ कीजिएगा, हमला तस्वीरों को देख करके बता सकते हैं कि काफी ज्यादा खतरनाक है और लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान से, जहां काबुल में चीनी होटल पर हमला हुआ है, होटल के अंदर कई चीनी नागरिक मौजूद है। अभी तक जो है प्रशासन इस पूरे हमले पर चुप्पी साधे हुए है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अक्सर इस होटल में चीन के डिप्लोमेटिक्स आते रहते हैं, चीन के नागरिक इस होटल में आकर रुकते हैं और इस होटल में भीषण हमला किया जा रहा है। लगातार फायरिंग आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक, कितने